हेलो गाइस, तो ये आपका अब तक का सबसे बेस्ट वन लाइनर रिवीजन वीडियो होने वाला है। सबसे पहले इसमें हम 30 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे, जिसमें से 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपकी यस्टरडे क्लास के होंगे, यानी कि कल के होंगे, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे वो दिसंबर से अभी तक कहीं से भी लिए जा सकते हैं। इनके अलावा 10 स्टैटिक क्वेश्चन होंगे और 10 डेज वाले क्वेश्चन भी हम रिवीजन करेंगे, ताकि धीरे धीरे साथ में ये भी याद होते रहे। हाँ देखो, अगर कोई नए स्टूडेंट इसे देख रहे हैं ना पहली बार, तो आप ट्राई करें पहले इन क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की, वीडियो को रोक करके आप इनको सॉल्व करें और देखें आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखे हैं। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कल के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, फ्रेंच सम्मान पाने वाले पहले भारतीय शेफ कौन बन गए? तो प्रियम चटर्जी बने हैं, और इस फ्रेंच सम्मान का नाम क्या है, ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चरल मेरिट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, किस मंदिर के प्रसाद को जीआई टैग मिला है? तो पलानी मुरुगन मंदिर, तमिलनाडु का है ये मंदिर, और प्रसाद का नाम क्या है, पंचमीर्थम। फिर है, स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि अभी 15 अगस्त को वीर चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को। अच्छा, वीर चक्र मिला इन्हें, तो वीर चक्र कब दिया जाता है? तो युद्ध काल के समय में ये दिया जाता है, दिया जाने वाला तीसरा सबसे बड़ा सम्मान है ये युद्ध काल में। पहला कौन सा है, परमवीर चक्र, दूसरा है महावीर चक्र, और तीसरा है वीर चक्र, जो मिला है अभिनंदन वर्तमान को। फिर है, किस जिमनास्टिक ने ट्रिपल और डबल ट्विस्ट वाली लैंडिंग करके इतिहास रच दिया, यानी कि दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो आंसर होगा सिमोन बाइल्स, अमेरिकन जिमनास्टिक है। फिर है, महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है किसमें? तो कॉमनवेल्थ गेम्स में। ये भी 2022 में होंगे, अभी तो 2018 में हो चुके हैं, यानी कि अब 4 साल बाद 2022 में होंगे। कहाँ पे? बर्मिंगम यूके में। भारतीय रेलवे के सुरक्षा बल यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने कौन सा अभियान चलाया है? ऑपरेशन नंबर प्लेट। क्या है ये ऑपरेशन नंबर प्लेट? तो इसमें जो गाड़ियां होती है ना पार्किंग वगैरह में खड़ी रहती है, नो पार्किंग जोन में खड़ी रहती है काफ़ी समय से, उनको जब्त किया जाएगा, तो यह है ऑपरेशन नंबर प्लेट। अच्छा, आपको याद हो तो मैंने आपको कल भी बताया था कि आरपीएफ ने कुछ समय पहले ऑपरेशन थ्रस्ट भी चलाया था रेलवे के प्रेमिसेस में, रेलवे के परिसर में जो नकली बोतलें बेचते ना उनके खिलाफ वो अभियान था। फिर है, किस राज्य ने वर्ल्ड एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड जीता? तो राजस्थान आंसर होगा। फिर है, ए मतलब एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के एथलीट आयोग में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा पीटी उषा को। फिर है, अरुणाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन बने? तो नरेश कुमार बने। क्वेश्चन नंबर अगला है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कौन सी एप्लीकेशन लॉन्च की, स्वच्छ नगर ऐप, और इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 भी इन्होंने लॉन्च किया। फिर है, वैश्विक निवेशकों का सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ये सम्मेलन समिट आयोजित किया जाएगा, अक्टूबर में होगा ये। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेजांद्रो जिया माटेई। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ग्वाटेमाला, कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। बढ़ते हैं आगे। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का हम लोग रिविज़न करेंगे। तो उसमें हमारा पहला प्रश्न है, बाल अधिकार सूचकांक जारी हुआ था, उसमें भारत का स्थान क्या रहा? तो 117 नंबर पर रहा है भारत। टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। फिर है, पहली महिला ऑपरेशनल फाइटर पायलट कौन बनी? भावना कांत। माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली कश्मीरी महिला? नाहिदा मंजूर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो 2 देशों को, अर्जेंटीना और अल्जीरिया। फिर है, भारत का सबसे मूल्यवान ग्रुप कौन सा बना? तो ये बना है HDFC ग्रुप। फिर है, हुरुन आर्ट लिस्ट में पहला स्थान किसे मिला? तो अनीश को मिला है। फिर है, किसने मेन बुकर इंटरनेशनल अवार्ड जीता है? तो ये जोखा अलार्थी ने जीता है, ओमान की है ये, सेलेस्टियल बॉडीज उपन्यास के लिए। अगला प्रश्न है, मसाला बॉन्ड मार्केट में प्रवेश करने वाला पहला राज्य केरल बना था। माउंट एवरेस्ट पर सफल चढ़ाई करने वाली पहली अफ्रीकी महिला सराय खुमालो बनी थी। देश का पहला जीरो डिस्चार्ज शहर नोएडा बना।
बढ़ते हैं आगे। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का स्थान क्या रहा था? 76 नंबर पर रहा था भारत और इसमें टॉप पर रहा था स्वीडन। फिर 64th फिल्म फेयर फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था? तो आंसर होगा राजी। फिर है, वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक के लेखक कौन है, किसने लिखा है? मलाला यूसुफजई ने लिखा है। 2014 में इनको नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था और सबसे कम उम्र की हैं ये नोबेल पीस प्राइज या फिर नोबेल प्राइज पाने वाली, मात्र 17 साल। क्वेश्चन नंबर 4th है, चीन के सिल्क रोड प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने वाला पहला G7 कंट्री कौन सा बना? तो इटली बना है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो अभी 2019 में G7 समिट कहाँ पे होगी? तो ये अगस्त में होगी, फ्रांस के बियारिट्स में। द हिंदू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुश्री मेनन को। स्मार्ट कचरा डब्बा किसने लॉन्च किया था? तो सेल ने, सेल मतलब स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। अमेरिका ने गोलान हाइट्स को किस देश के इलाके के रूप में मान्यता दी थी? तो इज़राइल। और फिर आपको पता हो तो इज़राइल ने यहाँ पे एक शहर का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखने की भी घोषणा की थी। अमेरिका के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाले राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आंसर होगा जिमी कार्टर। और ये 39th नंबर के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप कौन से नंबर के हैं? तो आप इसी से अंदाजा लगा लो, डोनाल्ड ट्रंप 45 नंबर के हैं। तो देखो कितने पुराने हैं वो। कर्नाटक लोकसभा चुनाव 2019 के राजदूत बने कौन? गिरीश एन गौड़ा बने हैं। पैरालंपिक में ऊंची कूद के खिलाड़ी हैं ये। जब लोकसभा चुनाव होते हैं तब की बात है, ये तब का क्वेश्चन है, मतलब आप देख लें क्योंकि अपन पुराने महीने के करंट अफेयर्स का ही रिविज़न कर रहे हैं। फिर है, 2019 की जलवायु नीति में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीयों को रखा गया है? तो आंसर होगा 7। इसमें 2 के नाम तो आपको याद होने चाहिए, पीयूष गोयल और डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। बढ़ते आगे, तो स्टडी क्वेश्चन में हम लोग बात करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। कालिदास सम्मान किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तो मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है। भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पे बना? बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा ई वेस्ट रिसाइकलिंग प्लांट कहाँ पर है? दुबई में। 20 रुपये का नया नोट आने वाला है, उसमें सिग्नेचर होंगे आपके नए गवर्नर ऑफ RBI यानी कि शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के जो हैं। उस पर चित्र किसका होगा? एलोरा की गुफाएं, ये कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसका रंग कलर कैसा होगा? ग्रीनिश येलो। उसकी डायमेंशन 63x129 mm। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। BSNL के अध्यक्ष, अच्छा देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑप्शन में अनुपम श्रीवास्तव, तो ये पुराने वाले हैं, अभी चेंज हो गए हैं एक्चुअली। हुआ क्या था, MTNL के जो चेयरमैन थे कौन, प्रवीण कुमार पुरवार, उनको बना दिया गया BSNL का अध्यक्ष। अब उधर खाली हो गई MTNL के चेयरमैन की जगह, तो MTNL के चेयरमैन के लिए सुनील कुमार को एडिशनल चार्जेस दिया गया MTNL का। तो यहाँ भी तो पूछा गया है केवल BSNL का, तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, प्रवीण कुमार पुरवार। ठीक है, 10 वाला क्या है, 100 मिलियन फॉलोअर्स वाले एकमात्र क्रिकेटर कौन बने? तो विराट कोहली बने थे। और विराट कोहली से मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको कल ही बताया था कि विराट कोहली अनुष्का के साथ तो मंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर बने और ऋषभ पंत के साथ ये हिमालया जो प्रोडक्ट्स आते हैं ना, फेस वॉश वगैरह, उनके उसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। बढ़ते हैं आगे, तो अब इम्पॉर्टेंट डेज की अपन बात करेंगे। तो पहला इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मलेरिया डे, कब मनाया? तो 25 अप्रैल को मनाया था। और अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अर्जेंटीना और अल्जीरिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया था। और मलेरिया का पहला टीका कहाँ पे लॉन्च किया? तो फिर मलावी में। इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया? जब अपन ने मदर डे मनाया था। हिंट मिल गया आपको, आंसर दो 12 मई को। वर्ल्ड बुक डे 23 अप्रैल को मनाया। इंटरनेशनल म्यूजियम डे 18 मई को। वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल को। विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे 17 अप्रैल को मनाया।
विश्व जैव विविधता यानी कि बायोडायवर्सिटी डे ये 22 मई को मनाया, वर्ल्ड आईपी डे 26 अप्रैल को, और लास्ट है वर्ल्ड टीबी डे 24 मार्च को अपन ने मनाया। तो ये था हमारा आज का रिवीजन। अब हमेशा की तरह आपको मिलेंगे होमवर्क के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, आपको भी कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, 40-50 क्वेश्चन, आराम से वीडियो को पॉज करके उनको सॉल्व करना। और जिस भी क्वेश्चन में आप अटकते हो या जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता, नीचे कमेंट बॉक्स में आपको उनका आंसर मिल जाएगा। तो आंसर देख करके हम उन्हें हाथों हाथ याद कर लेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो एक्चुअली में ये जो होमवर्क के क्वेश्चन होंगे ना, इनका कल हम फिर से रिवीजन करने वाले हैं। तो आप कोशिश करना जो भी क्वेश्चन में आप अटक रहे हो आज, उन क्वेश्चन का आप मेरे से पहले कल आंसर देने की कोशिश करना। अगर ऐसा आप कर पाते हो तो आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, मेरा आप यकीन मानो। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। जो भी आपका व्हाट्सअप, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप है, वहाँ पर आप वीडियो को शेयर ज़रूर करा करें, और आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो ये रहे आपके होमवर्क के 40 क्वेश्चन में से पहले 10 प्रश्न, ये रहे अगले 10 प्रश्न। आप इसके आराम से स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर सॉल्व करना। अगर ब्लर आ रही है तो क्वालिटी बढ़ा लेना। ये रहे अगले 10 प्रश्न और ये रहे अगले 10 प्रश्न। देखो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, इसको शेयर जरूर करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जी के ट्रिक्स।